अभी हम सबकी एक प्रॉब्लम होगी, रीजंस भले डिफरेंट होंगे हमारे, लेकिन हर एक इंसान डिप्रेशन के थ्रू गुजर रहा है, एंग्जाइटी के थ्रू गुजर रहा है। इसका रीजन क्या है? जब हम रीजन देखते हैं ना, हम कई बार हम थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है हमें कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मुझे डिप्रेशन आ रहा है, या इसलिए मुझे एंग्जाइटी आ रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फाइनेंशियली सही नहीं हूँ इसलिए मुझे एंग्जाइटी आ रही है, इसलिए मुझे डिप्रेशन आ रहा है, कई लोगों की शादी नहीं हो पा रही इसी के लिए एंग्जाइटी आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें रीजंस डिफरेंट डिफरेंट होंगे यहाँ पर, लेकिन जो है वो चीज़ एलिमेंट सबके अंदर है। लेकिन संगत, ये जो इनकम्प्लीटनेस जो हम फील कर रहे हैं अंदर, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई बाहरली कोई वजह नहीं है, ये अंदर की वजह है। गुरबाणी में फरमान आता है कि जो परमात्मा से जो हम बिछड़े हुए हैं ना, वही सब दुखों की जड़ है। एक एक हमारा जो चैनल है ऑल अबाउट सिक्खी, वहां पर हमें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से एक का क्वेश्चन आया, कहते मैं फाइनेंशियल कंडीशन भी मेरी ठीक है, मेरे घर में भी कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ सुख से चल रहा है, फिर भी मुझे लोनलीनेस फील होती है, फिर भी मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है, फिर भी डिप्रेशन फील हो रही है। इसका मतलब क्या है संजय जी? जो इंसान है वो अनंत की खोज में है। कई लोगों को जो आनंद है वो क्लब्स में मिलता है, कई लोगों को जो आनंद है वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता है, लेकिन संगत जी वो जो आनंद है दैट इज टेम्पररी, और वो जहर की तरीके से है। जो मीठा जहर हम कहते हैं ना, खाने में तो बहुत मीठा है लेकिन है जहर। तो वो जो चीजें हैं आनंद की जो हम खोज में निकले हैं, वो सब टेम्पररी है, लेकिन जो हमेशा रहने वाले आनंद क्या है, कहां से मिलेगा वो? गुरु महाराज फरमान करते हैं, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने। जब गुरु महाराज के थ्रू जब हम शब्द का अभ्यास करते हैं, जो गुरु महाराज जो नाम की दात बख्शते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर सहज आना शुरू हो जाता है। और वो सहज में भले आरा भी चल जाए और हमारा शरीर आधा भी हो जाए, फिर भी वो नाम जप रहा है। खोपड़ी अलग हो जाए फिर भी नाम जप रहा है, सिर अलग हो जाए फिर भी वो नाम जप रहा है, फिर भी वो आनंद में है। बाहर की तरीके से हम देखते हैं तो वो दुख में है, लेकिन जब हमने पिछली बारी सेशन में बात की थी, जब गुरु अर्जन देव जी पातशाह तत्ती तवी में बैठते हैं, फिर भी उनके मुख से निकलता है, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मान। वो जो सहज है वो नाम से मिलता है। फिर आप भले किसी के पास भी चले जाओ, किसी की भी सलाह ले लो, वो अंदर का जो दुख है वो गुरु के अलावा कोई भी नहीं आपका मिटा सकता।